नमस्ते बच्चों, मैं ज्योति श्रीवास्तवा SDMC छतरपुर मंदिर बॉयज स्कूल की अध्यापिका हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से गणित का परिमाप के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो शुरू करें अपनी कहानी। हमारी कहानी का हीरो है एक आप ही के जैसा लड़का जिसका नाम है राहुल। तो एक बार राहुल अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी क्या हुआ जानते हो? एक एलियन का शिप वहां पर लैंड करता है और एलियन राहुल को क्या बोलता है कि हे पृथ्वीवासी, तुम तो गणित पढ़ते हो, कृपा करके मुझे भी समझाओ कि परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है। तो राहुल क्या बोलता है, ठीक है, बहुत अच्छे समय पे आए हो, मैं अपने खेतों की मदद से ही तुम्हें आज पेरीमीटर समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। तो राहुल एलियन को यह समझाना शुरू करता है कि मान लो यह एक जमीन का टुकड़ा है और यह मेरा खेत है, ये व्हाइट वाला राहुल का खेत है या उसके पड़ोसी का खेत है। तो अगर राहुल को अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगानी हो, अर्थात तार बांधनी हो, आप जानते हो ना खेतों पे बगीचों के बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री की जाती है ना, ताकि जानवर ना घुस जाए। तो यह जानने के लिए कि उसे कितनी लंबी तार चाहिए, उसे परिमाप का सहारा लेना पड़ेगा। परिमाप का मतलब है पेरीमीटर, अर्थात सभी बाउंड्री की कुल लंबाई। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए अगर हमारी आकृति छोटी है, जैसे कि यहाँ हमने आपको समझाने के लिए ली है, तो उसको हम स्केल से नाप लेंगे। हम नापने के लिए यहाँ सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्केल से नापेंगे कि ये चारों भुजाओं की लंबाई कितनी है। इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर एवं लंबाई भी 6 सेंटीमीटर निकली। अरे वाह, यह तो एक वर्ग निकला। तो राहुल ने समझाना शुरू किया कि अगर मुझे इसकी चारों तरफ बाड़ लगानी है, तो मैं इन चारों साइड्स को नापूंगा, जो कि ये स्क्वायर है, तो 6 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर कितना हुआ बच्चों, बताइए? या फिर 6 को 4 से गुणा भी कर सकते हैं, तो यह हुआ 24 सेंटीमीटर। यानी कि इस खेत में यदि मुझे बाड़ लगानी है तो मुझे 24 सेंटीमीटर लंबी तार चाहिए होगी। अब क्योंकि ये तो उदाहरण के लिए छोटा सा खेत है ना, खेत तो बड़े होते हैं, मीटर में होते हैं, तो उनको नापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करेंगे। तो राहुल ने एलियन को समझाया कि देखो, यह मेरा खेत था, इसकी चारों भुजाएं 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर थी, परिमाप यानी पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इन चारों भुजाओं को आपस में जोड़ना होगा, 6 6 6 6 चार बार जोड़ा 24 सेंटीमीटर। तो एलियन ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत आसान है, अब एक बार मैं करके देखूं। तो राहुल ने कहा, हाँ अब तुम करके देखो, मेरे पड़ोसी के खेत की, यह है पड़ोसी का खेत, अब इसका भुजाएं नापते हैं। तो एलियन ने इसकी भुजाएं नापना शुरू किया, तो उसने क्या पाया कि इसकी चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो अब एलियन के साथ जरा जोड़ो मिलकर, 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ वापस 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ वापस से 10 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ बच्चों? राहुल ने समझाया, देखो 6 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर ऊपर नीचे का और 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये आगे पीछे की लंबाई, तो कुल मिला के कितना हुआ, 20 जमा 12 अर्थात 32 सेंटीमीटर। तो यह उत्तर किसने दिया, एलियन ने। तो राहुल ने पूछा, अरे वाह एलियन, तुम्हें तो पेरीमीटर फटाफट से समझ में आ गया। एलियन ने राहुल का धन्यवाद दिया और उसको कहा, थैंक यू पृथ्वीवासी, तुमने मुझे पेरीमीटर समझाया, परिमाप समझाया, यह बहुत आसान है, अब मैं अपने ग्रह वालों को भी जाके समझाऊंगा और अगली बार आऊंगा तो प्लीज तुम मुझे एरिया समझाना, क्षेत्रफल समझाना, ठीक है? और यह कहके एलियन श्यू करके चला गया और राहुल ने भी उसको दूर तक बाय बाय करी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये छोटी सी कहानी और ये गणित का परिमाप उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जब एलियन एरिया समझने आएगा, आप वेट करेंगे ना? तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।